औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। शेखुपुरा बिजन से मलक अदीम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जी दोस्तों, मैं अपने चाहने वाले, प्यार करने वाले, खुसूसन शेखुपुरा और बैरून मुल्क मुकीम हजरात, शौकीन हजरात और तमाम उस्ताजा की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। जी दोस्तों, कबूतर परवरी में माशाल्लाह, जैसा कि आपको पता, गहमा गहमी चल रही है। कल माशाल्लाह बहुत ही अच्छे टूर्नामेंट उड़ाए गए थे शेखुपुरा के। तो दोस्तों, अपनी मैं बात को मुख्तसरन करते हुए मैं आपको बताता चलूं कि हालिया दिनों में अगर देखा जाए, एक शेखुपुरा का बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसकी सरपरस्ती, जिसकी सदारत और मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अहम रोल था उस्ताद भोला डोगर, आप सरा वाला ज़िला शेखुपुरा। माशाल्लाह शेखुपुरा का सबसे बड़ा, ज़िला शेखुपुरा का सबसे बड़ा टूर्नामेंट इन्होंने उड़ाया और जिस तरीके से उड़ाया माशाल्लाह, आज माशाल्लाह मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये वह टूर्नामेंट था जिसमें ज़िला की सबसे ज़्यादा छतें थीं, सबसे ज़्यादा इलाका जाते, और देखा जाए तो सबसे बड़े इनाम बैसाख की बात कर रहा हूँ, बैसाख 2020 के। तो दोस्तों, और माशाल्लाह अगर इसी टूर्नामेंट में अगर रिज़ल्ट देखा जाए तो उस्ताद भोला डोगर, आप शेखुपुरा, उनके जी काफ़ी छतें, मेरा ख्याल 6 से 7 छतें जो इनकी सरपरस्ती में उड़ाई गई थी, कुछ इनके शागिर्द थे और कुछ जो थे इनकी सरपरस्ती में ये छतें उड़ाई गई हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि उस्ताद भोला डोगर साहब हैं, माशाल्लाह इस मरतबा इनके जितने शागिर्द उड़े हैं, तमाम शागिर्दों ने अच्छी पोजीशन हासिल की और इवन के टूर्नामेंटों में भी इनकी सरपरस्ती में बहुत सारी छतें विन हुई। तो दोस्तों, जब ये इन्होंने विन हुई तो पोस्टें लगी हैं, जाहरी बात है कोई जीता हो तो इंटरनेट पे अपनी पब्लिसिटी ज़रूर करते हैं ताकि दोस्तों को पता चले कि इसकी कारकर्दगी क्या है। तो पोस्टें भी दोस्तों मैंने ही लगाई थी। तो दोस्तों, ये हुआ कि बाद में कुछ दोस्तों भाइयों ने, कबूतर परवर भाइयों जो इनके इलाका के हैं, उन्होंने इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि जी आप किसी के शागिर्द नहीं हैं, उस्ताद तो बड़ी दूर की बात है। तो दोस्तों, जब मेरी इनसे बात हुई है, बाकायदा इनके ख़िलाफ़ पोस्टें लगाई गई हैं जिनमें मेरा ख्याल है उनके इलाका के, मैं नाम नहीं लूँगा तो, क्योंकि वो भी एक अच्छे शौकीन है, गलती में या गलत फहमी में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनका इल्म नहीं होता, जिनका बाद में एहसास होता है। तो दोस्तों, इसी जो समझ लगे गलत फहमी को दूर करने के लिए मैंने उस्ताद भोला डोगर से रिक्वेस्ट की थी कि अपने उस्ताद को सामने लाएं कि जो इनके उस्ताद हैं और जिनके ये शागिर्द हैं और जिनकी सरपरस्ती में ये शौक कर रहे हैं, ताकि लोग अक्सर कह रहे थे कि ये पोस्टों पे लगाया हुआ है कि उस्ताद भोला डोगर ग्रुप, तो इन पे एलिगेशन उठाया था। तो इसी सिलसिला में दोस्तों, आज हम जी इनके उस्ताद हैं, मेरे सामने शाह साहब बैठे हुए हैं, तो इनके पास आए हैं शेखुपुरा शबस्तान चौक में। शेखुपुरा में शबस्तान चौक है, वहाँ पे जी हम इसी सिलसिला में आए हैं। तो इसी सिलसिला को जी मैं अभी आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जी मैं उस्ताद की तरफ करूँगा, उनसे आपका तारुफ करवाऊँगा और उनसे कुछ सवालात करेंगे इनके बारे में। तो जितने दोस्त देख रहे हैं मेरी वीडियो को, इस वीडियो को ज़रा शेयर कर दें ताकि तमाम दोस्तों तक ये जो वीडियो है, ताकि ये जो गलत फहमी है उस्ताद भोला डोगर साहब के ख़िलाफ़ कि जी ये उस्ताद नहीं है, तो वो मैं समझता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये पता चल सके। ठीक है, मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ज़रा वीडियो को शेयर कर दें। ये जी सबसे पहले जी ये उस्ताद बैठे हैं जी, शाह साहब जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी उस्ताद जी, अपना ज़रा नाम दसना जी। मेरा नाम जी सजाद हुसैन अहमद साहब। उस्ताद सजाद हुसैन जी, माशाल्लाह जी। अच्छा उस्ताद जी, तुसी कबूतर परवरी दे बारे जी ज़रा तुसी दसना, तुहाडा शजरा नसब, यानी कि शजरा तुहाडा की है? सर, असीं पिछो अबाई समुंदरी दे रहण वाले आ, 221 दे, उत्थों तो ये मेरा शौक है। वो अपने घरेलू मामलात की वजह तो फिर असीं इत्थे शिवपुरे आ गए हाँ, तो फिर भोले नू अपना शागिर्द सी मेरा, इहदे नाल मेरा कोई तअल्लुक सी,
तो फिर इन्हों मैं जो भी सारा कुछ तरीकाकार है कबूतरबाजी का या जो उस्तादी तरीकेकार होंगे ने इन्हों मैं दसे ने और इन्हों बकायदा सिर पर दस्तारबंदी की है और इस लायक है सन कि इन्होंने इन्नी मेरी खिदमत करके और उस काम को हासिल किया है। तो अज अल्लाह ने अपने नबी के सदके इन्हों फतेह दी है और मेरे ना अक्सर रात च रेंदे ने और दुआ कराते हैं कहते हैं कि उस्ताद जी जरा कोई दुआ करा जे कि असी शर्त ला लीए और फलाने नाल ला लीए और बड़े उस्ताद आदमी ने तो असी कहा चलो जी अल्लाह की जात ही है कि हर किसी को इज्जत जिल्लत जी वो अल्लाह देती है तो अपनी मेहनत का फल जोड़ा ना वो इंसान आप लेंदा बकायद हर कोई अपने घर कहता ही है कि मैं उस्ताद माशाल्लाह जी। अच्छा उस्ताद जी मैनू जरा थोड़ा जा दस देना कि उस्ताद भोला डुगर साहब जी जी ये थोड़े को किहड़े सन दे विच इन्होंने उस्तादी पग लई सी कोई अंदाजन ज़हन दे विच तकरीबन 2002 दी गल है यानी कि अज 18 साल हो गए 18 साल 2020 है ते ओ 2002 दे विच 18 साल दी गल है। हां जी 18 साल पहले इन्होंने लई है जी जी ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਕਰੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਭੋਲਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸਨ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8-10 ਛੱਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਤਾ ਦੇ ਸਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉੱਡੀ ਸੀ ਕੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜ਼ੀ ਕੱਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਕੱਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਭੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਨ ਐਰਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 56 ਛੱਤਾਂ 56 ਛੱਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹੰਡਰਡ ਸੀ। ਦੂਜਾ 11 ਨਾਮ ਸਨ 11 ਨਾਮ ਸਨ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਟਿਆਲੇ ਵੀਰਕਾਂ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ 125 ਦੀ ਫਰਾਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ? ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪੋਸਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਡਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ੁਬਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਓ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
मेहरबानी जनाब मतलब भोला डोगर साहब जी। दोस्तों ये थे आज के कुछ सवालात और जवाबात के कल की जो परसों की जो पोस्ट लगी थी उसकी ये तरदीद हुई है आज कि उस्ताद भोला डोगर साहब वाकई ही उस्ताद हैं और ये अपना ग्रुप चला सकते हैं और इनके उस्ताद भी मैंने सामने बिठा दिए माशाल्लाह और मेरी बातें भी हुई हैं। और जी आज़म वाला साहब है, मैं इस वक्त जी शबस्तान चौक में हूँ। तो ये है कि अभी मेरी बातें भी हुई हैं ऑन दी कैमरा और कैमरे के बाद पहले भी वीडियो से बनाने से पहले भी बातें हुई हैं। तो माशाल्लाह अच्छे उस्ताद हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं मैंने सीखी इनसे। तो जी दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी के दिल में फिर भी कुछ भी गलत फहमी हो तो वो दूर कर सकते हैं। तो मैंने उस्ताद साहब का एड्रेस भी बता दें, शबस्तान चौक भिखी रोड शेखुपुरा। तो अगर किसी के दिल में कुछ हो तो वो जनाब रहा मेरे साथ कर सकता, उस्ताद भोला डोगर साहब करता, मुझे नहीं लगता कि अब कोई ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि अब जब उस्ताद शो हो चुका है, उस्ताद इन्होंने अपना सामने ला के बिठा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जो हरीफ हैं या जो भी कबूतर परवर भाई हैं वो इनके खिलाफ अब बात कोई नहीं करेगा। बात ना करें बल्कि मुकाबले करें और जीत के दिखाएं। तो ये थी आज की दोस्तों मेरी गुफ्तगु। तो इस वीडियो को ज़रा शेयर कर दें ताकि जो दूसरे दोस्त हैं उन तक ये पहुँच सके। तो मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।